हाय, मैं हूँ तुषा और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट। बॉलीवुड की हॉटेस्ट और सेक्सीएस्ट आइटम डांसर नोरा फतेही ने इस साल काफी दिलबरों के दिल जीते हैं अपनी बेली डांसिंग से। नोरा फतेही ने इस साल बॉलीवुड की दो फिल्म्स में अपना आइटम नंबर दिया है। एक तो है श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की पिक्चर स्त्री, जिसमें उन्होंने डांस किया है कमरिया गाने पर, और दूसरी है जॉन अब्राहम स्टारिंग पिक्चर सत्यमेव जयते, जिसमें नोरा फतेही ने सुष्मिता सेन का गाना दिलबर को क्रिएट किया है और उसमें काफी जान डाल दी है अपनी डांसिंग से। ना ही बॉलीवुड इंडस्ट्री ने, पर साथ ही साथ पूरे सोशल मीडिया पर और उनके फैंस और काफी ऑडियंस ने नोरा फतेही के ये दोनों गाने को काफी सराहा है। और साथ ही साथ ये दोनों गाने नोरा फतेही के करियर लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कहलाता है। ये दो गानों ने नोरा फतेही को काफी सक्सेस दी है। और तो और, नोरा फतेही के आइटम नंबर दिलबर ने रिकॉर्ड तोड़ डाला सिर्फ 23 मिनट्स में 200,000 व्यूज पाकर। और इतना ही नहीं, दिलबर गाने का म्यूजिक वीडियो का कमेंट सेक्शन पूरा भर गया था नोरा फतेही के तारीफ से। नोरा फतेही ने ये भी कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है जब लोग दिलबर को इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता है कि जब भी ये गाना बजता है तो पूरा का पूरा क्राउड झूम उठता है और उन्हें हर बार इस गाने पे डांस करने के लिए कहा जाता है। दिलबर गाने के सिंगर्स थे नेहा कक्कर, इक्का सिंह और ध्वनि भानुशाली। ना ही ये तीनों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये गाना गाया है, पर साथ ही साथ नोरा फतेही ने इस गाने में अपने डांस मूव से एक अलग ही जान डाल दी है। इस गाने को देखकर इतना तो पता चलता है कि नोरा फतेही ने इस गाने के डांस के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, पर फिर भी बहुत ही एफर्टलेस भी दिखाई दी है। दिलबर गाना रिलीज होने के बाद से ही हर जगह, हर क्लब, हर लाउंजेस में बजने लगा था और हर इंसान की जुबान पे अड़ा है। और ये गाने को इतना हाइप मिल चुका है कि इस गाने के म्यूजिक वीडियो पर अब आ चुके हैं 550 मिलियन व्यूज। नोरा फतेही ने इसमें एक से ज्यादा लुक्स दिए हैं। एक में वो दिखी है सिल्वर कलर के कपड़े में, तो दूसरे में उन्हें रेड कलर के प्यारे बैली डांसिंग ड्रेस में दिखाई दिया गया था। ना ही नोरा फतेही का इस गाने में ड्रेसिंग अच्छा था, पर साथ ही साथ उनका हेयर और मेकअप भी बहुत ही बढ़िया था। ये गाने की हर जगह इतनी प्रशंसा हुई है कि अब ये गाने का नया वर्जन भी आ चुका है। जी हाँ, दिलबर गाने का तीसरा वर्जन आ चुका है। अब दिलबर गाना अब बन गया है अरेबिक वर्जन में भी। लोगों ने ये गाने को इतना पसंद किया कि अब टी सीरीज ने निकाला है दिलबर गाने का अरेबिक वर्जन। इस अरेबिक गाने के लिरिक्स दिए हैं खलीफा मेनन ने और अशरफ आराब ने। सबसे पहले ये गाने के बारे में खबर बताई थी नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना लुक बताते हुए। ये गाना आपको देगा थोड़ा बहुत अरेबिक, मोरक्कन और बॉलीवुड वाइब्स तीनों एक ही साथ। और साथ ही साथ इस गाने में नोरा फतेही के अमेजिंग डांस नंबर मूव्स कोरियोग्राफ किए हैं सीजर गोंजालेस ने। और तो और, नोरा फतेही इस दिलबर के अरेबिक वर्जन गाने में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। नोरा फतेही को इस गाने में देखा गया स्काई ब्लू चोली और येलो कलर के लहंगे में, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। नोरा फतेही ने डांस करते हुए सभी के दिल जीत लिए। और तो और, ना ही नोरा फतेही ने इस गाने में डांस किया है, पर साथ ही साथ इस गाने के सिंगर भी है नोरा फतेही और फ्नेर। तो हमें ये गाना सुनने में भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि नोरा फतेही इतना अच्छा डांस तो कर लेती है, पर अब उनकी आवाज कैसी है ये हमें ये गाना सुन के पता चलेगा। और इस गाने में म्यूजिक दिया है मोहसिन तज़फ़ ने और इसे डायरेक्ट किया है अब्दे रफिया एल अब्दी ओई ने। और तो और, नोरा फतेही ने इस गाने का पोस्टर अपने सोशल मीडिया यानी के इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। और जैसे ही ये गाना रिलीज हो चुका है, फैंस और ऑडियंस ने काफी इस गाने को प्यार दिया है। नोरा फतेही का इस गाने में हॉट बेली डांस देखकर सभी की सांसें रुक गई हैं। और तो और, ना ही ये गाना ट्रेंडिंग हुआ है, पर साथ ही साथ ये गाना रिलीज होने से पहले इस गाने का टीजर भी सोशल मीडिया पर हर जगह काफी ट्रेंड हुआ था। तो आप लोग सोच ही सकते हैं, इस गाने के रिलीज होने का काफी लोगों को बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। और अब जब ये गाना रिलीज हो चुका है, लोग इसे बहुत ही ज्यादा प्यार भी दे रहे हैं। तो चलिए एक नज़र देते हैं नोरा फतेही के दिलबर अरेबिक वर्जन गाने पर। अब आप लोग हमें ये बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये गाना। बॉलीवुड की ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।